अगर आपको पार्किंसन डिसीज ठीक करनी है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको हाथ पैर ऑटोमेटिकली बिना ही आपकी इच्छा के वो हिलते रहते हैं और आपका हाथ पैर हमेशा कांपता रहता है, तो उसके लिए मैं एक परफेक्ट रेमेडी बताऊंगा, परफेक्ट मेडिसिन बताऊंगा। डेफिनेटली अगर उसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको पार्किंसन डिसीज की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। तो हाय गाइज, माय नेम इज़ डॉक्टर चंदन, अ होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ डॉक्टर चंदन हेल्थ केयर। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है हमारे उन लोगों के लिए जिनको पार्किंसन डिसीज़ की प्रॉब्लम है। पार्किंसन डिसीज़ एक नर्वस, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, जो दिमाग होता है, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे नर्व सेल्स होती है, जो नर्व सेंटर्स होते हैं, उसमें डीजनरेशन होने लगता है। मतलब वो जो नर्व सेंटर्स होते हैं उसमें खराबी आने लगती है, जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो नर्व सेंटर वो डिजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो केमिकल डोपामिन रिलीज होता है, हमारे एक केमिकल होता है जो हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, उसका जो रिलीज है वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारा हाथ का मूवमेंट है, पैर का मूवमेंट है, ऑटोमेटिकली होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा उसका कोऑर्डिनेशन है जो कि वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट काज नहीं है, बट कुछ सम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर हमारा ये है, अगर आपको कोई ट्रॉमा लग रहा है, मतलब अगर आपको कोई ट्रॉमा, किसी वजह से चोट लग रही है, ट्रॉमा लग रहा है, तो इसकी वजह से में भी चांसेस हैं जो आपकी ब्रेन की नर्व सेंटर्स हैं वो डैमेज होते हैं। डेफिनेटली उसकी वजह से डीजनरेशन होने की वजह से भी हमें पार्किंसन डिसीज देखने को मिलती है। मोस्टली ये एज रिलेटेड होता है, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, बहुत ज़्यादा एज होने की वजह से भी जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी डीजनरेट होने लगती हैं, ख़राब होने लगती है। इसकी वजह से भी हमें पार्किंसन डिसीज का डेवलप होने लगता है, मतलब आपके हाथ पैर जो होते हैं वो कांपने लगते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिमाग में कैंसर की, मतलब अगर ट्यूमर कोई बन रहा है, अगर आपको उसकी वजह से आपकी जो नर्व सेल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, या आपके जो नर्व सेंटर्स वो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से भी हमें पार्किंसन डिसीज देखने को मिलती है। ठीक है, आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप अगर होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं, डेफिनेटली आपको पार्किंसन डिसीज की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसके लिए आपको प्रीफर करूंगा, आपके किसी भी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के पास जाइए और आप प्रॉपर केस टेकिंग कराइए, उसके बाद फिर अपना मेडिकेशन कराइए। बाकी मैं इस वीडियो में आपको लास्ट में एक सटीक दवा बताऊंगा, उसको भी आप लेते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आइए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, आखिर देखने को क्या मिलता है, कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा लक्षण तो यही है कि आपका हाथ है जो बहुत इनवॉलेंट्री मूवमेंट करने लगता है, मतलब अगर आप ऑटोमेटिकली अगर बैठे रहते हैं तो आपका हाथ घूमने लगता है, आपका पैर ऑटोमेटिकली घूमने लगता है, मतलब हिलने लगता है। अगर आप कोई काम करते हैं तो वो बंद हो जाता है, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली बैठे रहते हैं तो हिलने लगता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है जो कि मोस्टली देखने को मिलता है। बाकी आपकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, कड़ापन महसूस होने लगता है। अनेबल टू वॉक, मतलब चलने फिरने में बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत हो जाती है, आप एक जगह पर प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाते हैं, आपको फॉरगेटफुलनेस, क्योंकि जब नर्वस सिस्टम आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से मेमोरी वीक होने लगती है। यही सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। मोस्टली आपका जो याददाश्त होती है वो कमज़ोर हो जाती है, आपको फटीगबिलिटी बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। ये सब समस्याएं मोस्टली देखने को मिलती है, मतलब क्या बोलना है, कहाँ पे क्या बोलना है, ये सब थोड़ा जो आपकी समझदारी का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। ये सब बहुत सारे ये मतलब लेट स्टेज के सिम्टम्स हैं जो कि मोस्टली देखने को मिलता है जब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है तो। ठीक है, तो यही सब समस्याएं हैं। अगर इसका टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप MRI करवा सकते हैं, नहीं तो CT स्कैन करवाते हैं, उसमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप MRI या CT स्कैन करा के पता लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको डायग्नोस हो चुका है तो जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ उसको अपना जीवन में ज़रूर लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो मैं एक चीज़ आपको ये क्लियर सबसे बड़ी चीज़ मैं ये क्लियरिफाई करना चाहूँगा, अगर आपको ये समस्या, मतलब पार्किंसन डिसीज की समस्या देखने को मिल रही है, तो आप फिजियोथेरेपी जरूर आइए। फिजियोथेरेपी की वजह से आपको जो स्टिफनेस, मसल्स स्टिफनेस रहती है या और अदर कोई प्रॉब्लम्स रहती है, वो सब समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होती हैं। तो आप, क्योंकि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, मतलब जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है, तो हम अपनी वजह से, मतलब अपने सेल्फ जो होता है वो एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप फिजियोथेरेपी मस्ट है, आप फिजियोथेरेपी कराइए, साथ में दवाएं लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी पार्किंसन डिसीज में देखने को मिलेगा। फिजियोथेरेपी के साथ साथ मैं जो आप होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ उसको आप किसी भी कॉपी में लिख लीजिए और इसको लीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो हमारी फर्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम। जेलसीमियम को आपको 200 पावर में सुबह, दोपहर, शाम, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर प्रॉब्लम हो रही, मतलब एक्यूट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो दिन में 3 बार आपको 2 से 3 बूंद आपको डायरेक्ट जैसे जिम पे लेना है। तो मैं आपको ये बता दूँ, जैसे ये हमारी दवा, मान लीजिए ये मान लो आपकी दवा है, तो आपको
जेलसीमियम 3 से 4 बूंद डायरेक्ट जीप पे लेना है और उसको दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व सॉर्ट आउट होती जाती है तो दिन में 2 बार लीजिए, नहीं तो फिर दिन में सिर्फ अगर 1 बार ही लेंगे ये, और इसको खाली पेट लेना है, ठीक है। आप इसको डेफिनेटली यूज़ कीजिए, बहुत आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको 15 दिन कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है प्लम्बम मेट 200। आप 15 दिन बाद इसको प्लम्बम मेट आपको दिन में 3 से 4 बूंद वैसे जैसे इसको जेलसीमियम को आप लिया था वैसे ही लेना, ठीक है। आप उसको कंटिन्यू कीजिए डेफिनेटली, उसके बाद ऐसे ही अल्टरनेट करके आप इसको ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इससे रिलीफ मिलेगा। तो डेफिनेटली इसको आप यूज कीजिए। अगर आपको एक्यूट कंडीशन हो तो दिन में 3 बार, नहीं तो आपको दिन में सिर्फ 1 या 2 बार लेना है। इससे बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा, आप इसको यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बाकी अगर आपके पास कोई भी अच्छा होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है तो उसके पास जाके अपना प्रॉपर केस टेकिंग कराइए, उसके बाद ही आप मेडिसिन लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी ये बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है, तो मैंने वो प्रोमिनेंट होम्योपैथिक आपको दवाएँ बता दी हैं, तो आप इसको यूज कर दें, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ही डिमांडिंग था। एक हमारी नेहा शर्मा जी का कमेंट आया था, तो उन्होंने ये पूछा था कि हमारे जो हाथ पैर कपते हैं तो इसके ऊपर आप वीडियो बना के दीजिए, तो मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वीडियो टच किया जाए तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका वीडियो आपको बना के दूंगा डेफिनेटली। तो ऐसे ही बार बार हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही बार ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल। Thank you so much.